और लाहौर न्यूज ने इशू उठाया तो हुकाम को होश आया। केनाल रोड नौजवान की सरेआम हवाई फायरिंग का ये मामला है। लाहौर न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने मुलजिम आतिफ को 3 रोज बाद धर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर से। जी अरसलान बताएगा, आखिरकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? अरसलान हैदर से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि केनाल रोड नौजवान की सरेआम हवाई फायरिंग का ये मामला था, जो कि लाहौर न्यूज ने ये मामले को उठाया तो उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और पुलिस ने मुलजिम आतिफ को 3 रोज बाद धर लिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, बिल आखिर हुकाम को होश आ ही गया? जी बिल्कुल, केनाल रोड पर नौजवानों की सरेआम फायरिंग का जो मामला था, लाहौर न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस इन एक्शन हुई है। पुलिस ने 3 रोज बाद मुलजिम को धर लिया है। पुलिस ने केनाल रोड पर सरेआम फायरिंग करने वाले जो मुलजिम को गिरफ्तार किया, और इस मौके पर एसपी सदर मास का कहना था कि सरेआम फायरिंग करके कानून हाथ में लेने वाले मुलजिम का नाम आतिफ है, जबकि ये मंसूरा का रिहायशी है। मुलजिम से 9 mm पिस्टल जबकि मुतद्दिद गोलियां भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ थाना हंजरवाल में मुकदमा दर्ज कर दिया। जी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, अपडेट कर रहे थे आप।